चारों तरफ मैंने बिहार में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, तथाकथित स्टार कैंपेनर की तरह बहुत अनुभव हासिल किया है, लेकिन इस बार का गजब का है। जैसे लोग मन बना चुके हैं, जगह जगह चुनाव प्रचार की सभा नहीं हो रही है, सही मायनों में हर जगह विजय समारोह का उल्लास दिखाई पड़ रहा है। जो जोश है, जो आक्रोश है, जो चारों तरफ बदलाव की चित्कार है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की जो पुकार है, अभूतपूर्व है। मैं आप 10 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब वो तो उम्मीदवार हैं, लेकिन और कई बार चुनाव लड़ भी चुके हैं बिहार में। जैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि पुराने लोगों में बहुत थकान भी दिखाई पड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है यहाँ पे, उसके बाद अगर वो कह रहे हैं ऐसा, चाहे जो भी उम्मीदवार ऐसा कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं सबको मानता हूँ और अच्छी तरह जानता भी हूँ, अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, उनके पास इसके अलावा और कुछ कहने को शायद है भी नहीं। और इसके अलावा ऐसे भी चुनाव की घड़ी में जो 15 साल से जो लोग सरकार में हैं या सरकार के भागीदार या साझेदार रहे हैं, उनके पास अब और कुछ कहने को तो बचा ही नहीं है। और यही जनता खोज रही है, यही जनता देख रही है कि आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आप जाइए और नए सरकार को आने दीजिए, ख़ासकर युवा शक्ति के नेतृत्व को, तेजस्वी यादव को, और उनके साथ जितने युवा शक्ति के लोग खासकर आ रहे हैं, उन सबका स्वागत ना। ये सब देखो, अब तुमने मुझसे पूछा है, मैं उतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ अभी तक अपने अनुभव के आधार पे कि अगर EVM का खेल विचित्र नहीं हुआ जैसा पिछली बार हो गया था MP चुनाव में, तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार जो है महागठबंधन की, और जैसे इसमें कम्युनिस्ट भी हैं, कांग्रेस हैं, राजद है, और सबसे बड़ी बात कि हमारा नेतृत्व है हमारा तेजस्वी यादव का, मैं कह सकता हूं कि इस बार आपको लैंड स्लाइड विक्ट्री दिखाई पड़ेगी।